जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त एंड होस्ट कुलदीप आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने चैनल वीकली जी के टिका पार्ट ऑफ एनसीसी। दोस्तों जो आज का सेशन है पार्ट नंबर 5, जिसमें हम बात करने वाले हैं आपके एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको पता होगा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सारे एक वीडियो पे है ना, जितने भी और फैक्ट है मैं आपको सारी चीज बताता हूँ एक वीडियो में। तो आज का जो पार्ट है पार्ट नंबर 5, जिसमें हम बात करने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कवर आर देयर इन एनसीसी। तो सिंपल में बोल सकते हैं कि आर्ट कितने प्रकार की हो सकती है। तो आपसे यहाँ पर आर्मी पूछे एनसीसी पूछे दो ही प्रकार की होती है, क्योंकि आपको बताओगे एनसीसी इज द सेकंड लाइन डिफेंस ऑफ आर्मी, यानी एज हम यूज कर सकते हैं एनसीसी कैडेट को एज आर्मी पर्सन के व्यापार, ये आपको ध्यान रखना। ट्रेनिंग भी उसी हिसाब से दी जाती है। तो कितने प्रकार की आर्ट होती है, क्या होती है, वो सारी चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो का शुभारंभ कर लेते हैं, क्यों बैठे हो खाली बजा दो ताली। तो क्वेश्चन आपके सामने आ गया काफी कैडेट का रहता है, चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कवर आर देयर इन एनसीसी, या नॉर्मल पूछे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कवर, ये आपको ध्यान रखना है। तो कितने प्रकार की होती है आर, तो दो प्रकार की होती है। अब सर आर 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 होती क्या है आर, है ना, दाढ़ तो सुना हमने, दाढ़ में कीड़ा लग जाता है, आर होती क्या है। तो एक ध्यान रखना आर्मी का टर्म है, तो मैं आपको अच्छे से बताने वाला हूँ। तो बिल्कुल भी दिक्कत वाली बात मत लेना कि नहीं समझ में आएगा, तो आपको समझ में आने वाला है। तो दो प्रकार की आर होती है, इनके भी नाम पूछता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कवर राइट विच नेम, मतलब राइट दीज नेम। तो दो प्रकार की कौन कौन सी होती है तो मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए तो सबसे पहले होती है आपकी ध्यान रखना, पहली होती है कवर फ्रॉम फायर, यानी गोलाबारी से आड़। अब सर गोलाबारी से आड़ क्या होती है पहले ये बता दो हमें। देखिए आड़ का मतलब मैं आपको बता दूं, देखिए आड़ का मतलब होता है फॉर एग्जांपल आपके पाप, मतलब कुछ आप घर में ऐसा काम कर देते हो, मतलब कुछ भी कर देते हो, कुछ पानी गेर दिया या मतलब तेल गेर दिया, मतलब कुछ भी ऐसा घर का सामान गेर दिया जो एक नुकसान लायक है ना। और ऐसे में आपके पापा है ना आपके पीछे पड़ गए डंडा लेके, तूने कैसे गेरा ससुर है ना, तो आपके पापा पीछे पड़ गए। तो ऐसे में आप भाग भाग के कहाँ जाते हो, अपनी मम्मी के पीछे जाते हो ना, झुपक जाते हो कि पापा ना मारे। तो आप क्या है, पापा से बचने के लिए, यानी पापा के फुट्टे डंडी से बचने, मार खाने से बचने के लिए अपने आपको कहाँ छिपा लेते हो, मम्मी के पीछे है ना, मम्मी की साड़ी है ना, पल्लू में दुबक जाते हो। तो वो क्या होता है आड़, बचपन में हम बहुत दुबके हैं, ये आपको ध्यान रखना। तो उसे कहते हैं आड़ लेना, यानी अपनी बचाव के लिए हम किसी ऑब्जेक्ट के सामने अपने आपको छिपा लेना, वही क्या कहलाता है यहाँ पर आड़ लेना। तो मम्मी आपकी ऑब्जेक्ट हो गई ना जब आपके पापा मारने आ गए, तो वो ध्यान रखना ठीक है ना। तो आड़ होती है आपकी गोलाबारी फायर। तो फॉर एग्जाम्पल समझ लो, अब आपके पापा के हाथ में क्या थी डंडी, अब यहाँ पर आपके पापा के पास आ गई हथियार गोली, और आपके पापा कर रहे हैं फायरिंग फायरिंग, तो भैया आप कहीं दुबकोगे, सिंपल सी बात है, तो आप मम्मी के पीछे दुबक गए। तो मैं एज ए जस्ट एग्जाम्पल ले रहा हूँ आपके सामने, ये ध्यान रखना ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो ये आप समझ में आ गया होगा। तो ये देख रहे हो ये जो हमारी आर्मी है और ये हमारे हैं एनिमी, ओके ये आपको ध्यान रखना है, ये आर्मी एनिमी। अब देखो आर्मी के जो पर्सन है यहाँ पर दो है, एक और दो, और यहाँ पर जो एनिमी है कितनी ज्यादा संख्या, एक दो पाँच छः के आसपास है, ये आप देख रहे हो। ऐसे में किनकी स्ट्रेंथ ज्यादा, तो सर बोलोगे आप एनिमी की ज्यादा है। तो यहाँ पर भैया जो आर्मी वाले बंदे पेट्रोलिंग करने आए हैं, अभी पेट्रोलिंग क्या होता है बताऊंगा, मतलब एक के लिए की जांच करते हैं कि कुछ एक्टिविटी तो नहीं हो रही एक इलीगल के तरीके से, तो ऐसे में जांच करते हैं। अब इनको पता चल गया आर्मी वाले बंदों को एनिमी है, और एनिमी वालों ने आर्मी वाले को देख लिया कि दो बंदे हैं, तो ऐसे में उन्होंने फायरिंग बरसा दी, फायरिंग कर दी उनके ऊपर। अब सिंपल सी बात है, दो बंदे हैं और यहाँ पाँच छः बंदे हैं, तो नहीं लड़ेंगे आर्मी वाले। तो ऐसे में जो एनिमी गोली चला रहे हैं हमारे आर्मी वालों पर, तो भैया आर्मी वालों ने अपनी मतलब इनकी गोलाबारी से बचने के लिए अपने आपको वहाँ पर जो नियर बाय उनके जो जगह है, उनके पास जो मतलब झाड़ियाँ हैं, उनके नियर बाय पेड़ हैं, कोई है ना गुफाएं, तो नदी है, कोई दबी भूमि है, डेड लाइन जिसे कहते हैं, तो अपने आपको वहाँ पर छिपा लेना। तो हमारा क्या होता है कवर फ्रॉम फायर, यानी जब भी दुश्मन की गोलाबारी से बचने के लिए अपना आपको किसी ऑब्जेक्ट के सामने जो भी नेचुरल है, गड्ढे है, जमीन है, झाड़ियों में छुपा लेना और गोलाबारी से बच जाना, हमारा क्या कहलाता है कवर फ्रॉम फायर। ऐसा नहीं है कि आर्मी नहीं धोगी, धो सकती है, लेकिन वहां पर स्ट्रेंथ कम है ना उस समय, तो हमें पीछे हटना लेगा एक कदम। प्लानिंग के तहत करो तो आप सारी चीज़ समझ जाओगे, जैसे मैंने आपको प्लानिंग के तहत सारी चीज़ बताई है। तो समझ गए आड़ लेना यानी गोलाबारी से बचने के लिए, तो यहाँ पर गोलाबारी हो गई। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ जिसके माध्यम से आप अच्छे से और समझोगे, ओके चलिए तो मैं आपको एक वीडियो दिखा देता हूँ जिसके माध्यम से आप समझ जाओगे कि आड़ होती क्या है। तो आड़ मतलब फायरिंग भी करते हैं है ना, बिल्कुल करते हैं। तो मैं आपको यहाँ वीडियो दिखा रहा हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा, तो आराम से देखना आप, चलिए बिल्कुल मजा आने वाला। तो ये होती है कवर फ्रॉम फायर, ऐसे मार रहे हैं और आप भी एक इच्छा होगी आपकी भी जाना है ठीक है ना, तो ये देख रहे हो, देखते रहिए बस। ऐसे दबा के करना, धू धू धू, ओके। तो प्राइड द पैसिफिक, यानी जो अभी हमारा समुद्र है ठीक है ना। तो अच्छे समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे कि अब आड़ लेना होता क्या है, ओके चलिए। तो ये भी समझ गए ना आप आड़ लेना किसे कहते हैं। तो आपने सबसे पहले कमल ली कि हम जब भी गोलाबारी से बचने के लिए किसी भी अपने आपको गुफा पेड़ उसमें छिपा लेते हैं, उसको कहलाता है कवर फ्रॉम फायर।
अब दूसरा क्या है, कवर फ्रॉम व्यू। अब यहां पर गोलाबारी का यूज नहीं कर रहे, अब यहां पर दृष्टि, दृष्टि का मतलब होता है आंखों के सामने ना जाना। अब आप मान लीजिए नहीं कि मैं जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ आपका, नहीं आपके दोस्तों का, आपका दोस्त है कोई बीड़ी पी रहा सड़क पे और उसके जस्ट सामने से पापा आ गए, तो वो जो बंदा है मतलब उनको जो बंदा है वो अपने पापा से आंखों के सामने यानी उसके पापा ना देख ले उसे, तो वो अपने आप को धुपा ले, छुपका लेगा ना, कहीं भी दुकान के पीछे दुबक जाएगा, बाड़ी गाड़ी खड़ी है तो वहां पर गाड़ी के नीचे दुबक जाएगा, तो यानी अपने आप को अपने पापा की दृष्टि से बचने के लिए उन्होंने अपने आप को धुपका लिया कहीं। तो ऐसे क्या होता है कि जो हमारी एनिमी की संख्या उसमें कम है, तो जब भी कोई मतलब एनिमी की, या मान ली ऐसा नहीं है कि मतलब एनिमी ही की वजह से ही हम आर्मी वाले धुपकते हैं, ऐसा नहीं है, ध्यान रखना। जब एनिमी आते हैं दो बंदे और यहाँ पर हमारे आर्मी की संख्या है तो वो भी ज़्यादा होती है, तो ऐसे में आर्मी को देख के एनिमी भी धुपक जाते हैं, तो यहाँ दोनों प्रोसेस होते हैं, तो एक को भी मत लीजिए, ठीक है ना। तो कवर फ्रॉम फायर आर्मी वाले भी कर सकते हैं, एनिमी भी कर सकती है, कवर फ्रॉम व्यू दोनों कर सकते हैं। तो यहाँ पर दृष्टि से आर यानी जब एनिमी की संख्या ज़्यादा है और यहाँ पर आर्मी की संख्या कम है, तो आर्मी वालों ने देख लिया संख्या शत्रु की ज़्यादा है, तो अपने पहले इन्फॉर्म कर लेते हैं, अपने आपको ही छुपा लेते हैं, यानी आंख गोलाबारी नहीं चली यहाँ पे, लेकिन क्या है शत्रु की दृष्टि से आने से वाले, यानी शत्रु हमें ना देख ले, जैसे मैंने आपको बताया पापा उसका सिगरेट ना देख ले से बीते हुआ है ना, तो ऐसे में उसने अपने आपको वही ऑब्स्टिकल में छुपा लिया, चाहे घास हो पेड़ हो, वही हमारा क्या होता है कवर फ्रॉम फायर। तो आपकी दो प्रकार की मैंने आपको बता दी, कवर फ्रॉम व्यू और कवर फ्रॉम फायर यानी गोलाबारी से आर और एक आपका दृष्टि से आर। तो उम्मीद करता हूँ आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे, यही क्वेश्चन है और आपको मैंने सारी चीज बता दिया। अब कमेंट में जरूर बताना कि आपको सेशन कैसा लगा, कोई भी क्वेश्चन में डाउट है कमेंट में जरूर बताइए, मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, ये हमारी डिटेल्स हैं, तो आप सारे यहाँ पर हमारे सोशल मीडिया से जुड़ सकते हैं। तो इस सेशन में इतना ही, अपना कीमती समय देने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, जब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।